यमुनानगर से आज की एक और बड़ी खबर और आज की ये लाइव तस्वीरें शाम के समय में आपको यमुनानगर के सदर थाना से दिखा रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीते दो दिन पहले 18 तारीख की शाम के समय औरंगाबाद मेन हाईवे पर एक जो कैंटर है वो लगातार कई घंटे लावारिस अवस्था में देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि इस कैंटर के अंदर ना तो कोई खराबी थी, ना तो ऐसा कोई टेक्निकल इशू था, लेकिन ये कैंटर चलाने वाला ड्राइवर आखिरकार मौके से फरार क्यों हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस कैंटर को तरपाल से ढका जरूर गया था, लेकिन जो कैंटर चलाने वाला ड्राइवर था वो आखिरकार मौके से फरार क्यों हुआ, लेकिन इस कैंटर का बड़ा रहस्य मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इस कैंटर के अंदर आप लोगों ने अक्सर टीवीज में या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि किसी भी कैंटर या गाड़ी के अंदर किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया जाता है, और वैसा ही गुप्त रास्ता हमें आज के इस कैंटर में देखने को मिलता है। काफी घंटे लगातार इस कैंटर के हाईवे पर खड़े होने के बाद यमुनानगर के सदर थाना इंचार्ज और उनकी टीम तक जब यह जानकारी पहुंचती है तो उसके बाद जैसे ही इंचार्ज केवल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और इस गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो गुप्त रास्ते के जरिए बताना चाहेंगे कि इसमें से 85 पेटी अंग्रेजी शराब की, जी हाँ, अवैध शराब की पुलिस को बरामद होती है और इंचार्ज और उनकी टीम के द्वारा एक्साइज डिपार्टमेंट को इस बारे में सूचना दी जाती है। लेकिन यह जरूर बताना चाहूंगी कि इस कैंटर का जो इसकी जो नंबर प्लेट है उस नंबर प्लेट से एक तस्वीर जाहिर हो चुकी है कि यह गाड़ी देहरादून साइड की है, मालिक देहरादून साइड का है, और आज इंचार्ज केवल और उनकी टीम के द्वारा देहरादून में जाकर उस मालिक तक पहुंचने के लिए उसके ठिकानों पर रेड जरूर की गई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक उस ड्राइवर से और मालिक से जुड़ी ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन पुलिस लगातार इस गुत्थी को सुलझाने की कड़ी मुशक्कत करती नजर आ रही है, लेकिन औरंगाबाद मेन हाईवे पर इतने घंटे तक इस कैंटर के खड़े होने का बड़ा रहस्य क्या हो सकता है नहीं पता। लेकिन आज की एक और बड़ी अपडेट के साथ शाम के समय में यमुनानगर के सदर थाना से लाइव जुड़ चुकी हूँ, इंचार्ज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार फिर से उस कैंटर की तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये वो कैंटर है जो काफी घंटे तक लगातार मेन औरंगाबाद हाईवे पर खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर तरपाल और जिसके अंदर से 1020 अंग्रेजी अवैध शराब की बोतलें पुलिस के द्वारा बरामद कर ली जाती हैं। लेकिन देखते हैं कितनी जल्दी सदर थाना इंचार्ज और उनकी टीम इस गुत्थी को सुलझाती नजर आती है। एक बार इंचार्ज हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जानते हैं इस कैंटर से जुड़ा बड़ा राज। तो सदर थाना के इंचार्ज केवल अपनी पूरी टीम के साथ हमारे चैनल पर लाइव जुड़ने जा रहे हैं। एक बार पूरा मामला सर से जान लेते हैं, कब की ये बात है और अभी तक इस केस में क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई गई है। केवल सर, पता चल रहा है कि 18 जुलाई की शाम के समय एक जो कैंटर है वो काफी घंटे तक हाईवे पर खड़ा देखने को मिला, किस तरह से आपके संज्ञान में ये मामला आया और इसमें अभी तक जो कार्यवाही है वो कहाँ तक अमल में लाई गई है? ये 18 तारीख की शाम की नहीं, 18/7 की सुबह की बात है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और आदेशानुसार जो सभी जिले की टीमें हैं, SHOs हैं, वो कार्रवाई निरंतर शराब माफियाओं पर कर रहे हैं। उसी कड़ी में थाना सदर यमुनानगर की टीम, जो हमारे प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर हैं संदीप कुमार जी, और ये पूरी हमारी टीम है जसविंदर जी, यूनिस जी, तो सुबह के समय हमारी टीम को सूचना मिली थी 18 तारीख को करीब 11 बजे की हाईवे के ऊपर, जो औरंगाबाद से सहारनपुर की तरफ फ्लाईओवर उतरता है उस हाईवे के ऊपर ही एक कैंटर खड़ा हुआ है जिसमें शराब है भारी मात्रा में। तो उसी के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक्साइज विभाग होता है जो उनको सूचना दी गई और उनके अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया नियमानुसार वीडियोग्राफी करते हुए। जब कैंटर को चेक किया गया तो शुरुआती में जो देखा गया कैंटर के अंदर, कैंटर खाली था। पीछे से जब चेक किया गया तो तिरपाल जरूर लगा हुआ था, तिरपाल हटाने पर पूरा कैंटर खाली नज़र आया। तो एक बार तो स्थिति ऐसी थी कि कैंटर खाली है लेकिन उसमें शराब की स्मेल भी आ रही थी उस आसपास से जब उसके गुजरते थे, और सूचना भी पुख्ता थी। उसी आधार पर जब गहनता से उसके अंदर से जांच की गई तो पता चला कि कैंटर का जो ड्राइवर कैबिन होता है उसके पीछे और एक एक्स्ट्रा केबिन बनाया गया, और इतनी सफाई से केबिन बनाया गया कि वो दिखाई ना दे। उसकी जब वो केबिन खोला गया एक्साइज अधिकारियों की टीम की मौजूदगी में, तो उसमें केबिन बना हुआ मिला और उसमें शराब की टोटल जो 85 पेटियां रखी हुई थी, किंग्स गोल्ड के नाम से अंग्रेजी शराब है, चंडीगढ़ की मैन्युफैक्चर्ड है, और उसमें से 1020 कुल बोतलें बरामद हुई जिनको कब्जे में लिया गया।
और गाड़ी देहरादून की है। गाड़ी गाड़ी के मालिक का पता चल चुका है और आज हमारी टीम ने देहरादून गाड़ी का जो मालिक है उसके ठिकाने पर भी रेड की थी, लेकिन मालिक अभी वहाँ से भी फरार है और उसमें एक प्रमुख लीड हमें मिल चुकी है। जल्द ही मालिक को अरेस्ट कर लिया जाएगा इसमें, और आगे की जो इसमें तफ्तीश है वो की जा रही है। शराब कहाँ से आई थी और कहाँ पर ये ले जाई जा रही थी और कितने समय से ये अवैध शराब की जो है यहाँ से स्मगलिंग इस रूट से जो की जा रही है, वो सारी बातें तफ्तीश के बाद उसमें सामने आ जाएगी। सर, स्मगलरों ने कितने शातिर तरीके से ये कैबिन बनाया था, लेकिन आपने कैसे चेक कर लिया, आपको कैसे भनक लगी कि कैबिन बना हुआ है इसके अंदर? एक तो जो पुलिस के पास थी पुख्ता जानकारी थी कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो रिलायबल थी, उसी आधार पर हम भी थोड़ा सा इस विषय पर गंभीर थे कि ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल है तो इस पर गौर भी की जानी चाहिए। दूसरा, जब गाड़ी के पास खड़े होने पर ही गाड़ी में जो शराब की स्मेल है वो थोड़ी तीखी होती है, शराब की स्मेल भी आ रही थी, उसी आधार पर ये तो स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर शराब है। तो जब उसको बारीकी से जांचा गया, उसमें देखे कि केबिन के पीछे जो नट बोल्ट लगे हुए हैं, और वो अमूमन ऐसा नट बोल्ट नहीं होते हैं, गाड़ियों की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो वेल्डेड होता है पीछे से, बट इसमें नट और एक फ्रेम लगाया हुआ था जो शंका उत्पन्न कर रहा था। केवल सर, ड्राइवर से जुड़ी कोई जानकारी या कोई ऐसा सुराग या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा जिसे आप लोगों की ओर से खंगाला गया या किसी ने मौके पर उस समय ड्राइवर को देखा? हाईवे पर उस समय कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और हमारी टीमें इसके अलावा जो टोल हैं टोल्स पर भी और बाकी जहां से भी जानकारी जुट सकती है जो टाने में लगी हुई हैं, हमारी दो टीमें इस पर काम कर रही हैं। जल्द ही इसका पूरा जो गिरोह है वो पकड़ लिया जाएगा और इसका पर्दाफाश किया जाएगा। एक और चीज़, 85 पेटी जो है आपको अवैध शराब की जो बरामद हुई है, क्या लगता है देहरादून से यहाँ तक आने में पहले भी कहीं पर इस शराब की तस्करी की गई है या इसे कहीं पहुँचाया गया, क्या लगता है या इसमें 85 पेटी ही अवैध शराब की थी, आपका क्या मानना है? ये देहरादून से आई नहीं है गाड़ी, एक्चुअली जो आई है चंडीगढ़ साइड से आई है, और शराब की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी चंडीगढ़ बेस्ड है। तो अभी तक जो प्राइमा फेसिया है वो यही है कि ये जो अवैध शराब है इसी रूट से चंडीगढ़ साइड से कहीं ना कहीं से आई है, और ये यूपी की साइड या उत्तराखंड में ही कहीं इसकी डिलीवरी होनी थी। गाड़ी कब्जे में आ चुकी है, शराब की पेटियां हैं वो सारी कब्जे में आ चुकी हैं, और आगे की सुलझती है। सर, क्या लगता है? पुलिस की कोशिश होती है कि उसका हर केस जल्दी से जल्दी सुलझ जाए ताकि अगले केस पर ध्यान से काम किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद केवल सर आपका। तो मैं आपको इस समय की सीधी तस्वीरें यमुनानगर के सदर थाना से दिखा रही हूँ। आखिरकार जो कैंटर चलाने वाला जो ड्राइवर था वो बीच रास्ते पर हाईवे पर इस तरह से कैंटर को छोड़कर या जो शराब की पेटियां हैं उसे छोड़कर क्यों जाएगा? लेकिन केवल सर का कहना है कि ये जो गाड़ी है देहरादून की, ये चंडीगढ़ से आ रही थी, हो सकता है इसमें 85 पेटी से ज़्यादा भी शराब की पेटियां हो सकती हैं, उसे पहले कहीं पे जो है निकाल कर कहीं भेजा गया हो, लेकिन पुलिस को तलाशी लेने के दौरान गुप्त रास्ते के जरिए इस कैंटर में से 85 पेटी अवैध शराब की जो है वो बरामद होती हैं। लेकिन पुलिस लगातार अब मालिक के ठिकानों पर जाकर रेड करती नजर आ रही है। देहरादून का रहने वाला वो मालिक बताया जा रहा है, लेकिन देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा ये गुत्थी सुलझती है और कितनी जल्दी इस अवैध शराब से जुड़ा मामला यानी कि जो ड्राइवर है और जो मालिक है कितनी जल्दी उनका पर्दाफाश होता है। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील कि प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मंदीप कौर की रिपोर्ट।